Tapadam. Good morning, sir. Monica? Yes, sir. Very, very good sir, morning to you. आपने मुझे जॉब के लिए बुलाया था ना? हाँ, याद है, याद है. क्या बात है, मोनिका, तुम... सर, माँ बहुत बीमार है. घर की माली हालत काफी खराब है. अगर आपकी मेहरबानी से कोई नौकरी मिल जाए, तो काफी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी. सर, क्या हुआ सर? आप रो क्यों रहे हैं? पूछो मत. आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हुआ सर? आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर मुझे मेरी माँ याद आ गई. मेरी स्वर्गवासी माँ. उस बेचारी की क्या क्या तमन्नाएं थी, क्या क्या सपने थे. अरे ये सिंदूर देख रही हो? मेरी स्वर्गवासी माँ चाहती थी कि अपने हाथ से अपनी होने वाली बहू की मांग में भरती. अरे मगर मेरी दुर्किस्मत ही फूटी. वो मुझे यतीम करके चली गई. उसके उसके सब सपने, सब तमन्नाएं यहीं रह गई. हाय, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है. माँ, तेरी आत्मा को कब जल्दी मिलेगी? सर, चुप हो जाइए सर. मोनिका, एक तुम ही हो जो मेरी माँ की भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचा सकती हो. जानती हो, मेरी माँ चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू तुम्हारी तरह सुंदर, सुशील, शर्मीली और घरेलू हो. तुम्हें वो सब गुण है मोनिका, सब गुण है. हे माँ, ये आपने क्या किया? आज से तुम मेरी वाइफ हो. मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा मोनिका. मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मोनिका. मोनिका, मोनिका, तुम मेरी हो मोनिका. आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए. बड़ा हरामी हो बेटा. तपा डब. ये सब क्या है? मालूम ना, इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? वाइफ? नहीं वाइफ. कहाँ? वाइफ. यहाँ कमरे में? मत पूछ. कसम से, क्या गरम कचौरी है यार. तेरी बात सुनके तो मुझे भी भूख लग रही है. अरे तो सोचता क्या, तू भी जाके नाश्ता कर ले. कर ले. वो तो मैं हूँ. कौन हो तुम? मैं प्यारे का दोस्त कस्तूरी और तुम्हारा नया पति. ये मंगलसूत्र पहन लो और चलो स्वर्ग की सैर को हमारे साथ. छोड़ दो मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे दोस्त प्यारे की बीवी हूँ. तो क्या हुआ, प्यारे की माँ मेरी माँ, प्यारे की बहन मेरी बहन, और प्यारे की बीवी मेरी बीवी. छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है. वाइफ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो वाइफ? हैं? क्या हुआ? वाइफ, हरामजादे, अपने नापाक इरादों के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करते तुझे शर्म नहीं आई? अरे वाइफ, गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं. देखो, जिसने की शर्म उसके फूटे करम. करेक्ट, बिल्कुल सही कहा प्यारे मोहन. मोनिका, अरे हमसे क्या शर्माना, हम दोनों पार्टनर्स हैं. जो भी काम करते हैं ना, साथ साथ करने की कोशिश करते हैं. देखो वाइफ, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और मेरा दोस्त तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना चाहता है. अरे इसमें बुराई क्या है? जाओ अंदर, मंगलसूत्र पहन लो, जिंदगी में ऐश करोगी. कमीने, क्या यही तेरा खानदान?
खानदानी रिवाज है। क्या इसके बाप ने तेरी माँ को मंगलसूत्र पहना था, उसे हम बिस्तर बनाया था? क्या हुआ? आओ सेठ जी आओ, तुम भी आओ। इसके पास सिंदूर है, इसके पास मंगलसूत्र है, तुम क्या डोली लेकर आए हो? क्या बहाना ढूंढा है एक औरत की इज्जत ढूंढने का? नहीं नहीं, मैं इस आदमी नहीं बाबा। नाटक मत करो, तुम सब लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर कल तक तुमने मेरे साथ अदालत में शादी नहीं की तो मैं तुम सब लोगों को अदालत में नंगा कर दूंगी। यार तुम लोग सुधर क्यों नहीं जाते? तुम लोग साले अपने चक्कर में कोई दिन मुझे भी नहीं डूबोगे। भाषण मत दे गोरख, औरतों का शौक मर्दों का होता है। अबे जानना में जाओ तुम हो, तुम्हारा शौक जैसा उस लड़की ने कहा कर करके दिखा दिया ना तो सब आरा के भाव में पहुंच जाएंगे। और तू, तेरे को तो गालियां देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। पता नहीं हट यार, पता नहीं कहां कहां से आ जाते यार। प्यारे गोरख ठीक ही कहता है, अगर उस लड़की ने हमें पुलिस के सामने नंगा कर दिया तो फिक्र मत कर यार। ये जो शरीफ औरत हमें दुआएं देकर गई है, इसे इंद्रलोक पहुंचाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। राका यार, आज गोरख की वजह से एक हाथाई चिड़िया उड़ गई और उसकी गालियां अलग सुननी पड़ी। अरे यार, गोरख शादीशुदा है, साला दुनिया देख चुका है, उसका सब कुछ उसकी घर की चार दीवारी में है, उसकी जिंदगी की हची उसकी वाइफ अपनी सरिता भाभी है। लेकिन हम तो शादीशुदा नहीं है, हमारे तो खेलने कूदने के दिन है, सालाम से चलता क्यों है? एक बात बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये गोरख हमारे से भी ज्यादा ठरकी है और हमारे सामने बनता है यार। क्यों ना इसका अप्रैल फूल बना।